हर दिल के अंदर मोहब्बत एक मैसेज सब्जेक्ट है जिसे हम लोग अच्छे से करके एक मैसेज देना चाहते हैं कि आजकल जो लोग नई जनरेशन है जो मोहब्बत नहीं फ्लड करती है, मोहब्बत हकीकत में क्या है वो हम इस सब्जेक्ट में दिखाना चाहते हैं और हम दिखाएंगे। एक्चुअली आज गाने की जो है रिकॉर्डिंग थी तो दिलीप सेन और साधना सिंह और फरहान साबरी साहब इन सब ने जो है मिलके उसको एक अच्छी वॉइस के साथ जो है गाने को कंपोज किया है और ये गाना बहुत जल्दी जो है लॉन्च भी होगा। बस उसके बाद जो है सारी जो है मेहनत हम लोगों की जो है वो हम टीम के साथ चाहते हैं कि अच्छे से सामने जो है पब्लिक के सामने रिजल्ट आए और उसकी हमारी कोशिश चल रही है हर दिल के अंदर मोहब्बत। बाकी हमारे सलीम खान जो है पूरी जो है कोशिश में और कौशल खान और हमारे सब पूरी टीम में सब लगे हुए इसी काम में। ये फिल्म का ऐसा रोमांटिक फिल्म है, इसमें सब्जेक्ट है बहुत अच्छा मैसेज गया हुआ है, मैसेज दे रहा है यंग जनरेशन को और इसके अंदर जो हमने आज जो ढूंढा है गाना ये जिन्होंने लिखा है राइटर जी, जी। तो ये हिसाब से हमने ढूंढने के बाद हमने इसको गाने के लिए जो बनाया तो मैंने दिमाग में आया कि दिलीप जी से पास पहले गाना लेके चलते हैं, गाना दिलीप जी से बनाते जी। फिर गाना दिलीप जी से फिर उनसे म्यूजिक वही कर रहे जी। तो इसका मतलब कि ये इसको अभी जितना ये स्टोरी के साथ में जितना मैं मेकिंग करूँगा वो हाईलाइट मैं वही करूँगा, आने वाले समय ही दिखा सकता हूँ कि क्या बनाया और क्या दिखाया। गाना तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि आजकल बी बॉय हिप हॉप ये सारे गाने चलते रहते हैं और राइटर साहब ने हमारे रजा साहब ने बहुत ही अच्छा लिखा है और मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात है कि गाना मुझे कोरियोग्राफ करने मिला है। और दिलीप जी हैं ये तो मुझे ढूंढते रहते हैं और इन्होंने जो म्यूज़िक दिया है इतना अच्छा म्यूज़िक है इसका और मैं थैंक्स कहूँगा सलीम भाई को, इनके साथ में मैंने बहुत काम किया है और ये मुझे हर जगह पर रिकमेंड करते हैं और मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे साधना जी के साथ एक काम करने का मौका मिला है। फरहान जी के साथ मैंने 3-4 गाने किए हैं और अब्बास भाई जैसे लोग मिले हैं मुझे, इतने अच्छे नेचर वाले जो मुझे बोल रहे हैं गाने में तुम्हें मास्टर जी क्या चाहिए, हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। तो मैं सब लोगों का थैंक्स बोलूँगा क्योंकि इस तरह की मूवी और इस तरह के गाने बहुत नसीब वालों को मिलते हैं जो मैं नसीब वाला हूँ और इतने बड़े दिलीप सेन जी हमारे बहुत ही सीनियर हैं उनके साथ काम करने का मौका मिलता है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।